हम नहीं तोड़ेंगे। अब हम जा रहे हैं इसके अंदर वेंकटप्पा आर्ट गैलरी के अंदर जो कि है वहाँ पे सामने। चलो चलते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या है वेंकटप्पा आर्ट गैलरी। सेकंड सो यहाँ पे इस प्रकार की आर्ट्स हैं देखो, और ये यहाँ पे है कुछ प्राइजेज एंड अवार्ड्स रिसीव्ड बाय के वेंकटप्पा। सो गाइस देखो ये के वेंकटप्पा जिनका ये म्यूज़ियम है ना, उनकी ब्रशेज एंड कलर्स हैं जिनसे वो पेंटिंग्स बनाते थे। एंड आई गेस ये जो जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई है ये शायद के वेंकटप्पा ने ही बनाई हुई है। तो एक बार क्लोज से देखते हैं। हाँ गाइस देखो ऊटी की है ये जो कि के वेंकटप्पा ने बनाई है। ओके गाइस हैंस प्रूव्ड। ओके गाइस तो ये जो पूरी आर्ट गैलरी है ये पूरी एक एक चीज़ यहाँ पे के वेंकटप्पा के द्वारा बनाई हुई है। ये जो सारी जितनी भी पेंटिंग्स लग रही है ना सब, और ये सामने जो लग रहे हैं ना ये भी, तो ये हैं गाइस के वेंकटप्पा। और वो कैसे दिखते थे मैं बताता हूँ आपको। सो देखो ये हैं के वेंकटप्पा जिनका ये पूरा आर्ट गैलरी है। मूछें काफ़ी तगड़ी है इनकी अच्छे दिख रहे हैं। सो गाइस देखो एक ये है आर्ट गैलरी, इसके अंदर सभी रंगों का इस्तेमाल करके और पेंटिंग्स बनाई हुई है। ये आपको दूर से ऐसी दिख रही होंगी बट ये रियल कलर्स से बनाई हुई है। ये देखो आपको पास से दिखाता हूँ मैं। ये देखो कलर्स की, देखो ये यहाँ पे कलर आपको फील होंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे। दो फ्लोर हम लोग देख चुके हैं। हार्बर सिलेक्शन। ओके ये एक और गैलरी है यहाँ पे गाइज। ये देखो गाइज मेरे को छुई मुई मिली, हाथ लगाते देखना कैसे मुरझा जाएंगे इसके पत्ते। ये देखो ये मुरझा गई, जैसे मैं यहाँ हाथ लगाऊंगा ना देखो। ये देखो मेरा फेवरेट प्लांट है ये छुई मुई का। देख लो गाइस जैसे तैसे मैंने आपको दोनों दिखाई दिए जो बच गए थे, नहीं तो दिल में एक वो रहता कि यार देखे नहीं इतनी दूर आए थे क्या था इनके अंदर। मतलब भगवान में विश्वास रखना चाहिए गाइस, कुछ भी हो जाता है। अब देख लो हमारा बिल्कुल भी प्लान मतलब ख़त्म ही हो गया था कि यहाँ नहीं आने का, पर हम लोग आ गए यहाँ पे और हमने ये वाला म्यूज़ियम भी और वेंकटप्पा आर्ट गैलरी भी, तो अब सुकून मिला। सो इस म्यूज़ियम का और वेंकटप्पा म्यूज़ियम का दोनों का कंबाइंड टिकट था 20 रुपीज़ में। वर्थ इट है यार। इसके तीन चीज़ें साथ में ही हैं, वेंकटप्पा और ये वाला म्यूज़ियम और इसके बगल वाला विश्वेश्वरिया, तीनों साथ में ही है पर विश्वेश्वरिया का अलग है सेपरेट टिकट है। ये देखो क्या व्यू आता है यार यहाँ से इसका। तो अभी हमने म्यूज़ियम के सामने से लिया है ये अमरूद, इसमें डाला है मसाला और मेरे मुँह में आ रहा है पानी। तो अमरूद खा लिया है बैंगलोर का, टेस्ट करना था बस, 10 रुपये का लिया हमने, ऐसा लगा। और बच्चे आए हुए हैं पिकनिक पे, उनको यहीं लेके आते हैं विश्वेश्वरिया, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है यहाँ। दिस बिल्डिंग लुक्स लाइक एंटीरिया। सो गाइस हमने आप लोगों को बताया नहीं, बैंगलोर में एक सर्विस है इलेक्ट्रिक, एक छोटी सी बाइसिकल सी होती है, उसका नाम है यूलू। तो वो यहाँ पे चलती है, तो उसमें क्या होता है वो कहीं पे भी उसके स्टेशन होते हैं तो कहीं से भी उसको स्कैन करके बारकोड उसका चला उसको, तो यहीं पर पास में एक है। तो हम लोग आज उसको ट्राई करने वाले हैं, आप लोगों को देने वाले हैं ऑनेस्ट रिव्यू, तो उसके बारे में और आपको आगे बताता हूँ। पहले हम लोग उठा लेते हैं उसको, यहीं है पास में ही है यूलू, ये खड़ी। तो ये है गाइस देखो यूलू, इसको स्कैन करनी है और ले जानी है। सो ये है वो इलेक्ट्रिक बाइक, इसको इसका ऐप आता है यूलू करके, तो इसको स्कैन करो और मस्त दौड़ाओ। इसका चार्ज है 1 मिनट के 2 रुपये लगते हैं। तो ये है, तो चलो इसको ट्राई करते हैं आज, दौड़ाते हैं। मैंने सब 25 रुपये डाले हुए, तो 25 रुपये का मजे लेते हैं, 12 मिनट मजे आएंगे। अबू इज वेरी एक्साइटेड। ये बात है, मैं छोड़ के जा रहे हूँ। हु आर यू? हमने राइड स्टार्ट कर दी है इसकी, इसके अंदर सेकंड चालू हो गए, अब मिनट से पैसे काटेगा। ये चलने लगी, कैसे चल रही है? कैसे चल रही है? तो हम लोग इसमें डबलिंग करने वाले हैं। चलो जी और चल पड़े। रुको ओए चल पड़े। रुको आप चलाओ, मैं आपको ओ भाई साहब एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। रुको चलो जी, चलो चलो। मजा आ रहा है, कुछ भी कहो यार।
आवाज चल रही है कुछ भी को मुझे आ रहे बेटा चुपचाप बैठा हूँ यही चला रहे मैक्सिमम स्पीड है इसकी और दो में के जान लेंगे क्या छोड़ दो आज रे आज तो छोड़ना आज तो छोड़ना भाई लिटरली बहुत हो जा रहे मेन हॉजी नहीं रुक रही ओ भाई ये देखो गाइस हम तो कैसे मजे कर रहे हैं बैंगलोर में लोग वहां हमको देख रहे हैं पागल हो गए ये गाइस इसको पुलिस वाले भी नहीं पकड़ते इसमें हेलमेट अरे गाड़ी 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 होगी तो निकल जाएंगे हम इसमें हेलमेट लगाने की जरूरत इसमें हेलमेट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती गाइस मत चलाओ इसको बिना हेलमेट के बिना किसी लाइसेंस के किसी ओ भाई और रोड भी मस्त है इधर शायद डबलिंग तो इसमें किसी ने शायद ही करी होगी गाइस लिटरली मतलब पता अरे भाई ले रहा मत अरे वो डर लग रहा है अब डर लग रहा ओ भाई मजा आ रहा है गाइस कुछ भी हमारी यूलू हमारी आया पूजा अरे भाई साहब वो कितनी सी है और हम दोनों का वेट उठा ले रही है मस्त 5 मिनट हो गए अपन को हमको 5 मिनट हो गए यानी कि हमारे 10 रुपए लग गए अब तक तो हमको है ना इसको यूलू जोन पे ही छोड़ना पड़ेगा हम इसको ऐसे कहीं पे भी छोड़ के जा नहीं सकते हमको ऐसे ओके गाइस तो आप ट्राई करने वाला हूँ मैं इसको मैंने नहीं चला अब तक अब ही चला रहे थे इसको लेट्स गो जय बाबा साहब की जय अरे यार मस्त चल रही है तो ओ भाई ये देखो गाइस क्या मस्त चल रही है हमारी यूलू ऑटो ब्लॉक कर रहे हैं हम लोग यूलू पे दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे ये यूलू मगर हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे अरे यार मस्त चल रही है तो ब्रेक 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 गाइस हमको पुलिस वाले सीटी में मारो मन डोले किसी यूलू वाले कंपनी ने देख लिया ना कंपनी वाले ने बोलेगा साल हमारी शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ माँ हमारी शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है क्या बहुत चीज है बाबा डॉक्टर अंबेडकर विधान सुधा सौदा बहुत चीज है सो ये इसका स्टैंड है इसको ऐसे स्टैंड पे लगाओ और इसको ऐसे खड़ी कर दो पर इसको हर कहीं खड़ी नहीं कर सकते इसको इसके यूलू जोन में ही खड़ा करना पड़ेगा नहीं तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी और अगली बार से आप इसको चला नहीं पाओगे एंड गाइस हम लोग गेड़िया मारते हुए ये यूलू पे पता है कहाँ पहुंच गए अंबेडकर विधान सुधा पहुंच गए हम लोग भाई साहब ये देखो इसका नेक्स्ट लेवल लुक आ रहा है गाइस देखो तो अब हम लोग जा रहे हैं उस साइड में वो देखने के लिए विधान सुधा ठीक है तो गाइस उधर ट्रैफिक ज्यादा है तो हम लोग सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम मैं जा रहा हूँ पैदल उस साइड और अबू ले आएंगे उसको अबू को देखो कैसे लग रहे चलाते हुए रेड बत्ती होना है तो हमको जाना है उस साइड सिग्नल का वेट कर रहे हैं रेड होने का चलो ये तो हमको पता ही नहीं था गाइस हम लोग तो एक्सप्लोर करते करते पहुंच गए यहाँ पे बैंगलोर तो अब देखते हैं इसको तसल्ली से रुक के हमारा यूलू लगाते हैं साइड में उड़न खटोला घोड़ा लगा दो जी ये लो जी ये लगा दिया जी स्टैंड लगा दो हमारी यूलू का हमारा सुख दुख का साथी एंड ये शायद कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लग रही है गाइस सो गाइस हमने यूलू को हमारे उड़न खटोले घोड़े को वहाँ खड़ा करके और उसको उस ऐप से पॉज कर दिया है तो अब उसके पैसे जो है ना 30 पैसे लगेंगे हर मिनट के तो हमने पॉज कर दिया उसको तो अब वो चल भी नहीं सकता जब तक हम उसको यहाँ से रिज्यूम नहीं करेंगे तो अब फोटो वगैरह खिंचवाते हैं इसके साथ में और निकलते हैं हमारे उड़न खटोले घोड़े पे सो अब लेंगे यूलू के साथ फोटो हम लोगों ने रील वगैरह फोटो वगैरह तो बना लिया यहाँ पे हमारा यूलू चलेगा ही नहीं चलेगा 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 ही नहीं
मैं लॉक कर रखा है सर ये ऑनलाइन चलता है ऑनलाइन सिस्टम है इसका सॉफ्टवेयर ही इनका उनका है ये सो आप चलते हैं हमारे उड़न खटोला घोड़े को लेके वापस और घूमते हैं इधर उधर कहीं गेड़ी मारते हैं देखो कहाँ चला रहे हैं फुटपाथ पे चला रहे हैं यूलू को अलग ही लेवल के नशे कर रखे हमने गाइस अब हम लोगों का प्लान बना है यूलू से यानी कि हमारे उड़न खटोला घोड़े से जाने का चाय नगर हमारी फेवरेट चाय पीने का क्योंकि आज लास्ट डे है तो चाय पी के जाते हैं तो गाइस जैम ट्रैफिक लग गया था हम लोगों ने चढ़ा दी इसको फुटपाथ पे और हम लोग लेके चल दिया इसको फुटपाथ पे सब लोग वेट कर रहे हैं इधर गाड़ियों का और हम लोग भगा रहे धड़लने से हम क्या करेंगे अलग ही मजे आ रहे हैं यार लोग भाई लिटरली एक भी ऐसा बंदा नहीं जो हमको देख रहा नहीं हो क्या कर रहे हैं ये लोग सस्ते नशे करके आ गए बोले ये दूसरा बता ना जो हमारी वीडियो बना के लेके गया है चलते हुए बाइक पे हम लोग आ चुके हैं हमारे पुराने वाले जगह पे देखो ये वही मार्केट है जो मैंने आपको पहले दिखाया था तो ये वही खंबा है जिसने जैकेट पहनाई गई हाँ ये वही खंबा है जिसने जैकेट पहन रखी थी ये वो मेरे पीछे चर्च जो मैंने आपको तक दिखाया था एक तो हम यूलू पे दो बैठे हैं ऊपर से हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो लोग भाई ऐसे देख रहे हैं हमको घूर घूर के अब देखो कहाँ से घुसा रहे देखो 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 सस्ते नशे गाइस लिटरली हम तो इसको कहीं भी घुसा दे रहे हैं यार जरूरत पड़ती है तो उठा के ये वो चर्च देखो यहाँ हम रुके थे 3 दिन और ये पहुँच गए हम हमारी होटल वाली गली में ये है हमारी होटल और ये हमारा चाय नगर हम भी पार्किंग में लगाएंगे गाइस हमको भी फुल इज्जत चाहिए यूलू है तो क्या हुआ तो देखो ये है हमारी फेवरेट चाय एक्स्ट्रा मलाई मार के सो अबू की हर्बल मेरी चाय मेरी ऑल टाइम फेवरेट चाय रहेगी गाइस ये तो यहाँ चाय नगर की लाइफ में पहली बार कहीं की चाय पसंद आई मेरे को चीयर्स लास्ट चाय ऑफ बेंगलोर तू नहीं मिली तो कितना याद किया रे तेरे को हाँ यार कितना याद किया इसको हमने 3 दिन हम लोग यलंका में थे बहुत याद किया हमने इसको सो बेंगलोर की लास्ट फेवरेट चाय पी ली है चाय नगर की बाय बाय चाय नगर मिलते हैं फिर कभी और हमारा उड़न कटोला घोड़ा स्टार्ट होते हुए मैंने रिज्यूम तो कराई नहीं इसको कैसे चला रहे हो आप चलो चलते हैं अब हम लोग जा रहे हैं एमजी रोड पे मस्त रौनक देखने गाइस निकल पड़े गाइस फिर से हमारी अतरंगी राइड पर हम लोग बेंगलोर की सड़कों पर मजे करते हुए और हमारे उड़न खटोले के साथ में ये देखो पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोलते हमको इतनी धाक है हमारी बेंगलोर में सिक्का चलता अपना सिक्का का बोलता ठंडी भी चलती है गाइस हमारी बेंगलोर में देखो पुलिस वालों के सामने डबलिंग कर रहे हैं बिना हेलमेट के बिना लाइसेंस बिना हेलमेट लगी रे चलो जी गाइस ट्रैफिक हो रहा है बहुत तगड़ा वाला फिर भी हम जाएंगे और सब लोगों को हम हंसाएंगे सो थर्ड फ्लोर भी देख लिया अब जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर पे पेंटिंग्स ही हैं खत्म टाटा बाय बाय अच्छा बंद है ऊपर मैंने देखा नहीं और ऊपर चलता जा रहा हूँ आईने बोल दिया वरना दो दूसरी बुला लेता ऊपर